18 तारीख का सहयोग करियो जरूर। 18 तारीख को भी सहयोग करो। हरियाणा बंद आप भी सहयोग दियो। चौधरी साहब, जो हरियाणा बंद का प्रोग्राम किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या पूरा विस्तार से बताएं इसके। इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लेकर बंद का ऐलान किया है। उसके कई कारण हैं, जैसे SYN का मुद्दा है, महंगाई का है, कानून व्यवस्था का है, बेरोजगारी का है, तो सभी ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर बंद की काल दी है दोनों पार्टियों ने। जो SYN के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो दोनों सरकारें हरियाणा की भी और देश की सरकार जो आज आपके मुद्दे बैठी है, कोई उस पर कदम नहीं उठा रहे। और जो हमारा हक का पानी है हरियाणा का, वो हमें नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर काल बंद की गई है। आज कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। आज चाहे बच्चियों की बात हो, बेटियों की बात हो, उनसे बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज यह जो नारा है, आज ऐसी अनेकों कानून व्यवस्था की जो बिगड़ती हालात है उनको एक मुंह चढ़ा रही है। ऐसे जो झूठे वायदे सरकार सत्ता में आई करके, चाहे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात हो, आज वह बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है और जिनको रोज़गार मिला है उनको रोज़गार छीना जा रहा है। आज प्रदेश भर में आज धरने प्रदर्शन, चाहे टीचर हो, चाहे गेस्ट टीचर हो, चाहे कर्मचारी हो, आज एक धरना स्थल बन चुका है हरियाणा की भूमि। तो ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर आज कल हमारा जो पंचकूला जिले की बात है, कल हमारा पिंजौर का कार्यक्रम था, वहाँ के कार्यकर्ता पूरे पिंजौर में आज दुकान दुकान पर जाकर हमने लोगों को रिक्वेस्ट की कि आप 18 तारीख को हमारा साथ करें। उसी सिलसिले में आज रायपुर रानी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं नेताओं को लेकर आज रायपुर रानी के बाज़ार में जाकर दुकान दुकान पर लोगों से, दुकानदारों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 18 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के साथ दें, ताकि आने वाले समय में हम इसका इतना विरोध हो सके कि जो सरकार यह जाएगी तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल समाज पार्टी की सरकार बनेगी और जनता का कल्याण। इनेलो बसपा गठबंधन की तरफ से 18 तारीख को कोई जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा या सिर्फ बंद का आह्वान ही किया जा रहा है? बंद का आह्वान किया जा रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल दल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता ऐसे ही घूम रहे हैं और उसके बाद जो हमारा मुख्य जो ऐलान होगा चुनाव संबंधित, वह 25 सितंबर की रैली जो इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिन पर मनाई जाएगी। उसमें पार्टी एक निर्णायक भूमिका के बारे में वहाँ प्रचार प्रसार किया जाएगा और अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया जाएगा।